हिंदुस्तान छोड़ दो इस्मत चुगताई जी इस्मत चुगताई साहब मर गया। जयंत राम ने बाजार से लाए हुए सौदे के साथ यह खबर लाकर दी। साहब कौन साहब? वह कांटरिया साहब था ना? वह काना साहब जैक्सन चचा बेचारा। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, काय लगी पुरानी जगह जगह से खोदी हेंसी की तरह गिरती हुई दीवार के इस पार उधले हुए सीमेंट के चबूतरे पर सिखू भाई पैर पसारे मराठी भाषा में बौन कर रही थी। उसके पास पीटू उड्डू बैठा हिचकियों से रो रहा था। पीटू यानी पीटर काले गोरे मेल का नायाब नमूना था। उसकी आंखें जैक्सन साहब की तरह नीली और बाल भूरे थे। रंग गेहुआ था जो धूप में जलकर बिल्कुल तांबे जैसा हो गया था। इसी खिड़की में से मैं बरसों से इस अजीब और गरीब खानदान को देखती आई। यहीं बैठकर मेरी जैक्सन से पहली मर्तबा बातचीत शुरू हुई थी। संग 42 का हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा जोरों पर था। ग्रांड रोड से दादर तक का सफर मुल्क की बेचैनी का एक मुख्तसर मगर जानदार नमूना साबित हुआ था। मैगन रोड के नाके पर एक बड़ा भारी सा अलाव जल रहा था जिसमें राह चलतों की टालियां हैट और कभी मूड आ जाता तो पतलूने उतार कर जलाई जा रही थी। सीन कुछ बचकाना सही मगर दिलचस्प था। लच्छेदार टाइयां, नई तर्ज के हेट, स्त्री की हुई पतलूने बड़ी बेदर्दी से आग में झोंकी जा रही थी। फटे हुए चीतरे पहने आतिशबाज नए नए कपड़ों को निहायत बेतकल्फी से आग में झोंक रहे थे। एक क्षण को भी तो किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आ रहा था कि नई गहरी डीन की पतलून को आग के मुंह में झोंकने के बजाय अपनी नंगी से और टांगों में ही चढ़ा ले। इतने में मिलिट्री की ट्रक आ गई थी जिसमें से लाल भभू का थूथनियों वाले गोरे हाथों में मशीन गन संभाले धमाधम कूदने लगे। मजमा एकदम फुर से न जाने कहां उठ गया था। मैंने यह तमाशा म्युनिसिपल दफ्तर के सुरक्षित खाते से देखा था और मशीन गने देख कर मैं जल्दी से अपने दफ्तर में घुस गई थी। रेल के डिब्बों में भी अफरा तफरी मची हुई थी। मुंबई सेंट्रल से जब रेल चली थी तो डिब्बे की 8 सीटों में से सिर्फ 3 सलामत थी। परेल आने तक वो तीनों भी उखेड कर खिड़कियों से बाहर फेंक दी गई और मैं रास्ते भर खड़े खड़े दादर तक आए। मुझे उन छोकरों पर कतई कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था ये सारी रेलें ये टाइयां पतलूने हमारी नहीं दुश्मन की हैं। इनके साथ हम दुश्मन को भी भून रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं। मेरे घर के करीब ही सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक रोकने के लिए एक पेट का लंबा सा लट्ठा सड़क पर बेड़ा डालकर उस पर कूड़े करकट की अच्छी खासी दीवार खड़ी थी। मैं मुश्किलों से उसे फांद कर अपने फ्लैट तक पहुंची ही थी कि मिलिट्री की ट्रक रुक गई। उसमें से जो पहला गोरा मशीन गन ये धम से कूदा था जैक्सन साहब ही था। ट्रक की आमद की खबर सुनते ही सड़क पर रोक बांधने वाला दस्ता इधर उधर बिल्डिंगों में सटक गया था। मेरा फ्लैट क्योंकि सबसे निचली मंजिल पर था लिहाजा बहुत से छोकरे एकदम राला करके घुस आए। कुछ किचन में घुस गए, कुछ बाथरूम और टॉयलेट में दुबक गए। चूंकि मेरा दरवाजा खुला हुआ था इसलिए जैक्सन दो शस्त्रधारी गोरों के साथ मुझसे जवाब तलब करने आगे आया। तुम्हारे घर में बदमाश छिपे हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। मेरे घर में तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे नौकर हैं, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा। कौन हैं तुम्हारे नौकर? ये तीनों, मैंने तीन छोकरों की तरफ इशारा किया जो बर्तन खदबदर कर रहे थे। यह बाथरूम में कौन है? मेरी सास नहा रही है, कहते हुए ख्याल आया मेरी सास इस वक्त न जाने कहाँ होंगी और टॉयलेट में उसके चेहरे पर शरारत की झपकी आए। मेरी माँ होगी या शायद बहन हो, मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी बाहर से आई। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बाथरूम में तुम्हारी सास है? मेरे घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज देकर मुझसे तौलिया मांगा था। अपनी सास से कह दो सड़क रोकना जुर्म है, उसने दबी आवाज में कहा और अपने साथियों को जिन्हें वह बाहर खड़ा कर आया था वापस ट्रक में जाने को कहा। वह गर्दन हिलाता होले होले मुस्कराता हुआ चला गया। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण जुगनू चमक रहे थे। जैक्सन का बंगला मेरे फ्लैट की चार दीवारी से सटी जमीन पर था। पश्चिमी छोर पर समुद्र था। उसकी मेम साहब माँ दोनों बच्चों के इन दिनों हिंदुस्तान आई हुई थी। बड़ी लड़की जवान थी और छोटी 12-13 बरस की। मेम साहब सिर्फ छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान आ जाती थी। उसके आते ही बंगले का हुलिया ही बदल जाता था। नौकर चाक चौबंद हो जाते, अंदर बाहर पुताई होती, बाग में नए गमले मुहैया किए जाते।
मेम साहब के जाते ही जिन्हें पास पड़ोस के लोग चुराना शुरू कर देते, कुछ को माली बेच डालता। दोबारा जब मेम साहब के आने का गलगला मचता तो साहब फिर विक्टोरिया गार्डन से गमले उठवा लाता। जितने दिन मेम साहब रहती नौकर बावर्दी नजर आते। साहब भी यूनिफॉर्म डाले रहता या निहायत उम्दा ड्रेसिंग गाउन पहने साफ सुथरे कुत्तों के साथ लान और क्यारियों का बिल्कुल इस तरह मुआ एना करता फिरता गोया वह 100% यानी सचमुच साहब लोगों में से है। मगर मेम साहब के जाते ही वह इतनी नान की सांस लेकर दफ्तर जाता, ड्यूटी के बाद नेकर और बनियान पहने चबूतरे पर कुर्सी डाले बियर पिया करता। उसका ड्रेसिंग गाउन शायद उसका बहराई चुरा ले जाता, कुत्ते तो मेम साहब के साथ ही चले जाते। दो चार देसी कुत्ते बंगले को यतीम समझकर उसके लान में डेरा डाल देते। मेम साहब जितने दिन रहती डिनर पार्टियों का जोर रहता और वह सुबह ही सुबह पंच सुरों में अपनी आया को आवाज देती, आया हूँ बड़ाऊ जी। मेम साहब आया उसकी आवाज पर तड़प कर दौती, मगर जब मेम साहब चली जाती तो लोगों का कहना था कि आया बेगम बन बैठी थी। वह उसकी गैर हाजिरी में एवजी भुगताया करती थी। फोमीना और पीटू उर्फ पीटू इसी अस्थायी समर्पण के स्थायी प्रमाण थे। कुछ हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा और कुछ मेम साहब भुगता गई थी इस गंदे पिचपिचाते मुल्क और उसके वासियों से, इसलिए जल्दी ही वह वतन सिद्धार गई। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जैक्सन से सिखकी के जरिए हुई। तुम्हारा सास नहा चुका, उसने बम्बई की जबान में कमीन अपने से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ साहब नहा चुका था। खून का स्नान किया उसने, मैंने तीखेपन से जवाब दिया। 14 बरस के चंद बच्चे कुछ ही दिन पहले हरि निवास पर जब गोली चली थी उसमें मारे गए थे। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ वही बच्चे होंगे जो उस दिन मिलिट्री की ट्रक आने पर मेरे घर में छिप गए थे। मुझे साहब से घिन आने लगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का जीता जागता हथियार मेरे सामने खड़ा उन बेगुनाहों के खून का मजाक उड़ा रहा था जो उसके हाथ से मारे गए थे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोट चलूं। उसकी कौन सी आंख शीशे की थी यह अंदाज लगा पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वह शीशे वाली आंख विलायती थी, मक्कारी का आला नमूना थी। उसमें जैक्सन की सारी सफेद कौम की चालबाजी भरी हुई थी। उच्च अता का दंप दोनों ही आंखों में रचा हुआ था। मैंने धत से खिकी के पट बंद कर दिए। मुझे सिखू बाई पर बहुत गुस्सा आता था। सुआ की बच्ची सफेद कौम के जलील कुत्ते का तरनिवाला बनी हुई थी। क्या खुद उसके मुल्क में कुढ़ियों और हराम जादों की कमी थी जो वह मुल्क की गैरत के नीलम पर तुल गई थी। जैक्सन रोज शराब पीकर उसकी ठुकाई करता। मुल्क में बड़े बड़े मोर्चे फतह किए जा रहे थे। सफेद हाकिम बस कुछ दिनों के मेहमान थे। बस अब चल चलाओ है इनकी हुकूमत का, कुछ लोग कहते अजी ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, इन्हें निकालना आसान नहीं, कुछ दूसरे लोग राय देते। इधर मैं मुल्क के नेताओं की लंबी चौटी तकरीरें सुनकर सोचती कोई जैक्सन काने साहब का जिक्र ही नहीं करता, वह मजे से सिखूबाई को झोंटे पकड़कर पीटता है, फूमीना और पीटू को मारता है। आखिर जय हिंद का नारा लगाने वाले उसका कुछ फैसला क्यों नहीं करते। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिछवड़े शराब बनती थी, मुझे सब कुछ मालूम था, मगर मैं क्या कर सकती थी। सुना था अगर गुंडों की शिकायत कर दो तो ये जान को लागू हो जाते हैं। वैसे मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि किससे रिपोर्ट करूं। सारी बिल्डिंग के नल दिन रात टपकते थे, नालियां सड़ रही थी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कहां किससे रिपोर्ट की जाती है। आसपास रहने वालों में भी किसी को नहीं मालूम था कि अगर कोई बदजात औरत ऊपर से किसी के सर पर पूरे का टिन उलट दे तो किससे शिकायत करें। ऐसे मौकों पर आमतौर पर जिसके सर पर कूड़ा गिरता वह मुंह ऊंचा करके खिड़कियों को गालियां बकता, कपड़े झाड़ता, अपनी राह लेता। मैंने मौका पाकर एक दिन सिक्खू बाई को पकड़ा। क्यों कमबख्त यह पाजी तुम्हें रोज पीटता है, तुझे शर्म भी नहीं आती, रोज कभी मारता बाई, वह बहस करने लगी। खैर वह महीने में 4-5 बार तो मारता है। हाँ मारता है बाई, सो हम भी साले को मारता है, वह हंसी, चल झूठी। अरे पीटू की सौगंध, हम थोड़ा मार दिया साले को परसों, मगर तुझे शर्म नहीं आती, सफेद चामड़ी वाले की जूतियां सहती है। मैंने एक सच्चे वतन परस्त की तरह जोश में आकर उसे लेक्चर दे डाले, इन लुटेरों ने हमारे मुल्क तो कितना लूटा है वगैरह वगैरह। अरे भाई क्या बात करता तुम, साहब साला कोई नहीं लूटा, ये जो मवाली लोग हैं ना वो बेचारा को दिन रात लूटता।
मेम साब गया पीछे सब कटलरी फटलरी बराए लोग पार कर दिया अक्खा पैतुलन पुट है इतना फर्स्ट क्लास जूता सब खत्म देख होटल के बंगले में कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम कहता चोर है साहब हम बोलता हम नहीं हो दे तो साल उसका बेटी काट के ले जा दे लोग। मगर तुम्हें उसका क्यों इतना दर्द है काय को नहीं होवे दर्द वो हमारा मरद है नबाई सिखूबाई मुस्कराया और मेम साहब। मेम साहब पक्की छिनाल हो लंदन में उसका बौतियार है यहाँ से खूबाई ने मोटी सी गाली देकर कहा वहीं मरी रहती है आती भी नहीं। पनाती तो दंत साहब से खिटखिट नौकर लोग से गिटकिट मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान से जा रहे हैं साहब भी चला जाएगा। मगर वह कतई नहीं समझी बस यही कहती रही कि साहब चला जाएगा बाई मगर उसे विलायत बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ सालों के लिए मुझे पूना रहना पड़ा इस अरसा में दुनिया बदल गई फिर सचमुच अंग्रेज चले गए मुल्क का बंटवारा हुआ। सफेद हाकिम पिटी हुई चाल चल गया और मुल्क खून की नहरों में नहा गया। जब बंबई वापस आई तो बंगले का हुलिया बदला हुआ था साहब न जाने कहाँ चला गया था बंगले में एक रिफ्यूजी खानदान बसा था। बाहर नौकरों के क्वार्टरों में से एक में सिखूबाई रहने लगी थी मीना खासी लंबी हो गई थी पिट्टू और वह माहम के एक यतीम खाने अनाथालय में पने जाते थे। जैसे ही सिखूबाई को मेरे आने की खबर लगी वह फौरन ही हाथ में मूंगने की दो चार फलियां लिए आधम की कैसा है बाई उसने रसमन मेरे घुटने दबार कर पूछा तुम कैसा है साहब कहाँ है तुम्हारा चला गया नलंदन। नहीं बाई सखूबाई का मुंह सूख गया हम बोला भी जाने को पर नहीं गया उसका नौकरी भी खलास हो गया था और डब भी आया पर नहीं गया फिर कहाँ है अस्पताल में क्यों क्या हो गया डॉक्टर लोग बोलता कि दारू बोत पिया इस कारण मस्तक फिर गया उधर पागल साहब लोग का अस्पताल है ऊंचा एकदम फर्स्ट क्लास उधर उसको डाला। मगर वह तो वापस जाने वाला था कितना सब लोग बोला हम लोग बोला बाबा चले जाओ सिखूबाई रो पड़ी पन नहीं हमको बोला सिखू डार्लिंग तेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। ना जाने सिखूबाई को रोते देखकर मुझको क्या हो गया मैं भूल गई कि साहब एक लुटेरी साम्राज्य कौम का फर्द है जिसने फौज में भर्ती होकर मेरे मुल्क की गुलामी की जंजीरों को ज्यादा जग बना दिया था जिसने मेरे वतन के बच्चों पर गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पर मशीनगनों से आग बरसाई थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के उन घिनौने कुलपुर्जों में था जिसने मेरे देश के जानबाजों का खून सिटकों पर बहाया था सिर्फ इस कसूर में कि वह अपने हक मांगते थे इज्जत से जीना चाहते थे। मगर मुझे उस वक्त कुछ याद न रहा सिवाय इसके कि सिखूबाई का मर्द पागल खाने में भर्ती था मुझे अपने इस तरह भावुक होने पर बहुत दुख था क्योंकि एक कॉम्परिस्त को जाबिर कौम के एक फर्द से कतई किसी तरह की हमदर्दी या लगाव नहीं महसूस करना चाहिए। मैं ही नहीं सब ही भूल चुके थे मोहल्ले के सारे लौंदे नीली आंखों वाली फिलोमीना पर बगैर यह सोचे समझे फिदा थे कि वह कीड़ा जिससे उसकी हस्ती अस्तित्व में सफेद था या काला। जब वह स्कूल से लौटती तो कितनी ही ठंडी सांसें उसके इंतजार में होती कितनी ही निगाहें उसके पैरों तले बिछी थी किसी लौंदे को उसके इश्क करते सिर धुनते वक्त किंचित याद न रहता कि यह उसी सफेद दरिंदे की लड़की है जिसने हराय निवास के नाके पर 14 बरस के बच्चे को खून में डिबो कर मारा था जिसने माहम चाच के सामने निहत्थी औरतों पर गोलियां चलाई थी क्योंकि वो नारे लगा रही थी जिसने चौपाटी की रेत में जवानों का खून निचोड़ा था और सिक्रेट के सामने सूखे मारे नंगे भूखे लड़कों के जुलूस को मशीनगनों से दरहम बरहम किया था। उन सारे मंजिलों को सब भूल चुके थे बस इतना याद था कि कुन्नी गालों और नीली आंखों वाली छोकरी की कमर में गजब की लचक है मोटे मोटे गड़राए हुए होंठों के कंपन में मोती खलते हैं। एक दिन सिखूबा चोली में प्रसाद लिए भागी भागी आई हमारा साहब आ गया। उसकी आवाज लर्ज रही थी आंखों में मोती चमक रहे थे कितना प्यार था इस लफज हमारा में। जिंदगी में एक बार किसी को पूरी जान का दम निचोकर अपना कहने का मौका मिल जाए तो फिर जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाता है। अच्छा हो गया अरे भाई पागल कब भी था वह ऐसे इच साहब लोग पकड़ कर ले गया था भागाया वह राज बताने जैसे लहजे में बोली। मैं डर गई एक तो हारा हुआ अंग्रेज ऊपर से पागल खाने से भागा हुआ किसको रिपोर्ट करूं बम्बई की पुलिस के लफड़े में कौन पद्दा फिरे हुआ करे पागल मेरी बला से कौन मुझे उससे मेल जोल बयाना है।
लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, मुझे मेल जोल बनाना पड़ा। मेरे दिल में खुद बुद हो रही थी कि किसी तरह पूछूं, जैक्सन इंग्लिस्तान अपने बीवी बच्चों के पास क्यों नहीं जाता। भला ऐसा भी कोई इंसान होगा जो जन्नत को छोड़कर यूं एक होली में पड़ा रहे, और एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। कुछ दिन तक तो वह कोठरी से बाहर ही न निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलकर चौखट पर बैठने लगा। वह सूख कर काल्फ चढ़ जैसा हो गया था। उसका रंग जो पहले बंदर के चेहरे जैसा लाल चुकंदर था, झुलस कर कथई हो गया था। बाल सफेद हो गए थे। चार खाने की लुंगी बांधे मैली बनियान चाहे वह बिल्कुल हिंदुस्तान की गलियों में घूमते पुराने गोरखों की मानिंद लगता था। उसकी नकली और असली आंख में फर्क मालूम होने लगा था। शीशा तो अब भी वैसा ही चमकदार झलमिल और अंग्रेज था, मगर असली आंख गंडली में रौनक होकर जरा दब गई थी। अब तो ज्यादातर वह शीशे वाली आंख के बगैर ही घूमा करता था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा तो वह जामुन के पेट के नीचे खड़ा खोए खोए अंदाज में कभी जमीन से कोई कंकर उठाता। उसे बच्चों की तरह देखकर मुस्कुराता, फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। कैसी तबीयत है साहब, उत्सुकता ने उकसाया तो मैंने पूछा। अच्छा है अच्छा है, वह मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने बाहर जाकर इधर उधर की बातें शुरू की। जल्दी ही वह मुझसे बातें करने में बेतकल्फी महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर कुरेदना शुरू किया। कई दिन की कोशिशों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह एक शरीफ जादी का नाजायज बेटा था। उसके नाना ने एक किसान को कुछ रुपए दे दिलाकर उसे पालने पोसने को राजी कर लिया, मगर यह मामला इस सफाई से किया गया कि उस किसान को भी पता न चल सका कि वह किस खानदान का है। किसान बड़ा कुटिल था। उसके कई बेटे थे जो जैक्सन को तरह तरह से सताया करते थे। रोज पिटाई होती थी, मगर खाने को अच्छा मिलता था। उसने 12-13 बरस की उम्र से भागने की कोशिशें आरंभ की। 3-4 साल की लगातार कोशिशों के बाद वह लुकता पुकता धक्के खाता लंदन पहुंचा। वहां उसने कई पेशेवारी इख्तियार किए, मगर इस अरसे में वह इतना ढीठ मक्कार और स्वच्छंद हो गया था कि 2 दिन से ज्यादा कोई नौकरी न रहती। वह शक सूरत से रोबिला और खूबसूरत था, इस वजह से लड़कियों में काफी लोकप्रिय था। डार्थी उसकी बीवी निचड़े खानदान की लड़की थी, उलार और रोची भी। उसका बापू ऊंची पहुंच वाला शख्स था। जैक्सन ने सोचा इस खाना बदोशी की जिंदगी में बड़े झंझट हैं, आए दिन पुलिस और कचहरी से वास्ता पड़ता है, क्यों न डार्थी से शादी करके जिंदगी संवार ली जाए। डार्थी उसके बस के बाहर थी, उसकी पहुंच से दूर थी, वह ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदि थी। उस वक्त जैक्सन की दोनों आंखें असली थीं, यह तो जब वह डार्थी से लड़कर शराब खानों का हो रहा, वहां किसी से मारपीट में एक आंख जाती रही। तब तक उसकी सिर्फ बड़ी बेटी पैदा हुई थी। हाँ तो तुमने डार्थी को कैसा घेर का फांसा, मैंने और कुरेदा, जब मेरी दोनों आंखें सलामत थीं। जैक्सन मुस्कुराया। किसी न किसी तरह डार्थी हत्थे च गई, कमबख्त कुंवारी भी नहीं थी, मगर ऐसे खेल रचाए कि बाप के नन करते रहने के बावजूद शादी कर ली। बाप ने भी लड़की की मजबूरियों को समझ लिया और बीवी के रोज रोज के तकाजों से मजबूर होकर उसे हिंदुस्तान भिजवा दिया। यह वह दौर था जब हर निकम्मा अंग्रेज हिंदुस्तान के सर मत दिया जाता था, भले वहां जूते गांठता हो, यहां आते ही साहब बन बैठता। जैक्सन ने हद कर दी, वह हिंदुस्तान में भी वैसा ही निकम्मा और लाऊबाली साबित हुआ। सबसे बड़ी खराबी जो उसमें थी वह उसका छिछोरापन था। बजाय साहब बहादुरों की तरह रौबदाब से रहने के, वह निहायत भोंडेपन से नीचो लोगों में घुल मिल जाता था। जब वह बस्ती के इलाके में जंगलत के महकमे में तैनात हुआ तो क्लब के बजाय न जाने किन चंदों खानों में घूमता फिरता था। आसपास सिर्फ चंद अंग्रेजों के बंगले थे, बदकिस्मती से ज्यादातर लोग अधिक उम्र के संभ्रांत थे। सुनसान क्लब में जहां हिंदुस्तानियों और कुत्तों को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, ज्यादातर उल्लू बोला करते थे। सभी अफसरों की बीवियां अपने वतन में रहती थीं। जब कभी किसी अफसर की बीवी हिंदुस्तान आ जाती तो वह उसे बजाय जंगल में लाने के स्वयं छुट्टी लेकर शिमला या नैनीताल चला जाता। फिर बीवी हिंदुस्तान की गिला जद से आजिज आकर वापस चली जाती और उसका साहब ठंडी आहें भरता, बीवी की हसीन यादें लिए लौट आता। साहब लोग वैसे अपना काम नीटो औरतों से चला लिया करते थे, इस किस्म के तल्लुकात से किसी का नुकसान नहीं होता था, हिसाब भी सस्ता रहता था।
हिंदुस्तान का भी फायदा था इसमें। एक तो उनसे पैदा होने वाली औलाद खास गोरी हुआ करती थी, कभी काली भी। दूसरा यह कि उनके बारसूख बाप उनके लिए अनाथालय और स्कूल खुलवा दिया करते थे। सरकारी खर्च पर उनकी दूसरे हिंदुस्तानियों के मुकाबले बेहतर शिक्षा दीक्षा होती थी। यह एंग्लो इंडियन गोरी शक्ल वाला वर्ग अंग्रेजों से बस दूसरे नंबर पर था। लड़के रेलवे जंगलत और नेवी में बड़ी आसानी से खप जाते थे। इनकी मामूली शक्ल वाली लड़कियों को भी सुंदर हिंदुस्तानी लड़कियों से बेहतर नौकरियां मिल जाती और वो स्कूल ऑफिसों और अस्पतालों की रौनक बढ़ाती। जो ज्यादा हसीन होती वो बड़े बड़े शहरों के पश्चिमी ग्रस्त ब्यूटी मार्केट में बड़ी सफल साबित होती थी। जैक्सन साहब जब हिंदुस्तान आया तो उसमें काने शख्स की तमाम बुराइयां कसरत से मौजूद थी। कानेपन के बाद शराब उसके व्यक्तित्व की दूसरी पहचान थी। हर जगह उसकी किसी न किसी से ठंड जाती और उसका तबादला हो जाता। जंगलात से हटाकर उसे पुलिस में भेज दिया गया, जिसका उसे बहुत मलाल था, क्योंकि वहां एक पहाड़न पर उसका बुरी तरह दिल आ गया था। जबलपुर पहुंचकर वह उसे जरूर बुलवा लेता, लेकिन वहां उसे एक नटनी से प्रेम हो गया। ऐसा जोरदार इश्क कि उसकी बीवी सारी छुट्टियां नैनीताल में गुजार कर वापस चली गई और वह न गया। काम की अधिकता का बहाना करता रहा, छुट्टी न मिलने का रोना रोता रहा, मगर डार्थी के डैडी के कितने ही दोस्त थे जिनके दबाव से उसे जबरदस्ती छुट्टी दिलवाई गई। जब वह नैनीताल पहुंचा तो उसका कतई दिल न लगा। एक तो डार्थी उसकी जुदाई में उस पर बेतरह आशिक हो गई थी और चाहती थी दोबारा हनीमून मनाया जाए। दूसरी तरफ उसे जैक्सन की प्रेम पद्धति से बड़ी घबराहट होती थी। वह इतने दिन हिंदुस्तान में रहकर एक दमाजन भी हो चुका था। पहाड़पन और नटनी दोनों ने हिंदुस्तानी पतिव्रता पत्नियों की तरह खिदमत करके उसका दिमाग खराब कर दिया था। साल में सिर्फ 2 महीने आने वाली बीवी भी बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर उसके सामने जैक्सन को कई बंधन मानने पड़ते। एक दिन नशे में उसने अपनी बीवी से भी पहाड़न और नटनी के अंदाज में प्यार करने की इच्छा प्रकट कर दी। वह ऐसा भटकी कि जैक्सन के छक्के ही छूट गए। उसने बहुत जिरह की कि कहीं तुम भी दूसरे बेगैरत और नीच अंग्रेजों की तरह लोकल औरतों से मेलजोल तो नहीं वह आने लगे हो। जैक्सन ने कस्में खाई और डार्थी को इतना प्यार किया कि वह उसकी नेक चलनीय की कायल हो गई। उसे बड़ा तरस आया और वह उसे बड़े प्यार से जबलपुर ले आया, मगर वह वहां की मक्खियां और गर्मियों से बौखला कर पागलों जैसी हो गई। और तो सब वह झेल जाती, मगर जब उसके बाथरूम में 2 मुंह ही निकली तो वह उसी वक्त सामान बांधने लगी। जैक्सन ने बहुत समझाया कि यह सांप नहीं और कट्टा भी नहीं, लेकिन उसने एक न सुनी और दूसरे दिन दिल्ली चली गई। वहां से उसने जोर लगाकर उसका ट्रांसफर बंबई करवा दिया। यह उस जमाने की बात है जब दूसरी जंग शुरू हो चुकी थी। नटनी की जुदाई और डार्थी का बंबई में स्थायी डेरा उसकी आत्मा को दीमक बनकर चाट रहा था। सखुबाए बच्चों की आया की मदद के लिए रखी गई थी, मगर जब बारिश से आजिज आकर डार्थी बच्चों समेत इंग्लैंड गई तो जैक्सन की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उफ, किस कदर उलझी हुई दास्तान थी साहब की, क्योंकि सिखुबाए गणपत हेगबेरे की रखेल थी। वह उसे पवन पुले से फुसला लाया था, वैसे बीवी बच्चों वाला आदमी था। बोझ से बचने के लिए इसे बतौर असिस्टेंट के बच्चों की आया के नीचे रखवा दिया था। सिखुबाई अपनी इस नौकरी से, जिसमें फर्श पर पोंछा लगाने, बर्तन धोने के अलावा गणपत को खुश करना भी शामिल था, काफी संतुष्ट थी। गणपत उसे कभी अपने किसी दोस्त को भी उस पर कृपा करने या कर्ज के बदले दे दिया करता, लेकिन बड़ी चालाकी से ताकि सिखुबाई रुकने न पाए। वह पीने से तो पहले से ही कुछ वाकिफ थी, गणपत की सोबत में बाकायदगी से रोज छर्राच आने लगी। जैक्सन भी कभी कभी उसके मजे लेने लगा। फिर वह अक्सर मेम साहब की एवजी भुगतने लगी। इस तरह गणपत के चक्कर से छुट्टी मिली, वह उल्टा उसकी सारी पगार ऐंठ लिया करता था। उन्हीं दिनों गणपत आर्मी में हेदबैरे की हैसियत से मिडिल ईस्ट चला गया और सिखुबाए हमेशा के लिए मेम साहब की जगह जम गई। बस जब मेम साहब कभी छुट्टी में आती तो वह वक्ती तौर पर अपनी खोली में ट्रांसफर हो जाती, और जब वह अपनी कुकतार आवाज में अयू यू, तब वह फौरन सब काम छोड़ छाड़ कर यस मेम साहब कहकर लपकती। यूं तो मेम साहब कहना सीखा कर वह अपने को अंग्रेजी दास समझने लगी थी। अंग्रेजी भाषा में यस नो डेम फूल सॉरी के अलावा और है ही क्या, हाकिमों का इन चंद लफ्जों में ही काम निकल जाता है।
चौड़े भारी भरकम साहित्यिक जुमलों की जरूरत नहीं पड़ती, तांगे के घोड़े को टक टक और चाबुक की चमक ही काफी होती है। मगर सिखुबाई को यह नहीं मालूम था कि अंग्रेज की गाड़ी में जुता हुआ मरियल घोड़ा क्षुब्ध होकर गाड़ी पलट चुका था और अब उसकी लगामें दूसरे हाथों में थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, वह खुद, उसके दो बच्चे और उसका मर्द। जब मिम साहब हिंदुस्तान आया करती थी तब भी सिखुबाई उदारता से एवजी छोड़कर फिर नैन्सी के हाथ के नीचे काम करने लगती। उसे मेम साहब से किसी तरह की जलन नहीं थी। मेम साहब वेस्टर्न ब्यूटी का नमूना हो तो हो, हिंदुस्तानी सौंदर्य के पैमाने पर उसे तोला जाता तो उसे अंडे जैसा शून्य मिलता। बस उसकी त्वचा खुरचे हुए शलजम की तरह कच्ची कच्ची थी, जैसे उसे पूरी तरह पकने से पहले उखाड़ लिया गया हो या उसे ठंडी बेजान कब्र में बरसों दफन करने के बाद निकाला हो। उसके छिद्रे मैली चांदी के रंग के बाल बिल्कुल बुकियों के बालों की तरह लगते थे, इसलिए सिखुबाई के तबके के लोग उसे बुकिया समझते थे, या फिर सूरजमुखी, जिसे हिंदुस्तान में बड़ा दयनीय समझा जाता था। जब वह मुंह धोए हुए होती तो उसकी पेंसिल से बनाई हुई भवें गायब होती, चेहरा ऐसा मालूम होता गोया किसी ने तस्वीर को सस्ते रब से बिक दिया हो। फिर डार्थी ठंडी थी, अजनबी थी, जैक्सन का वजूद उसके लिए एक घिनावनी गाली था। वह अपने को निहायत बदनसीब और सताई हुई समझती थी और शादी को नाकाम बनाने में वह काफी हद तक सही थी। भले जैक्सन कितने ही बुलंद ओहदे पर क्यों न पहुंच जाता, वह उस पर गर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारे ओहदे खुद उसके बाप के दिलवाए हुए हैं। जो किसी भी अहमक को दिलवाए जाते तो वह आसमान को छू लेता। इसके विपरीत सिखुबाई अपनी थी, गर्मागर्म थी। उसने पवन पुल पर अलाव की तरह भटक कर न जाने कितनों के हाथ तापने का सामान किया था। वह गणपत की रखेल थी जो अपनी पुरानी कमीज की तरह उसे दोस्तों को उधार दे दिया करता था। उसके लिए जैक्सन साहब देवता था, शराफत का अवतार था। उसके और गणपत के प्यार करने के तरीके में कितना फर्क था। गणपत तो उसे मुंह का मजा बदलने के लिए चबा चबार कर थूकता और साहब एक लाचार जरूरतमंद की तरह उसे अमृत समझता। उसके प्यार में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। जब अंग्रेज अपना टाट प्लान लेकर चले गए तब वह नहीं गया। डार्थी ने उसे बुलाने के सारे जतन कर डाले, धमकियां दी, मगर उसने इस्तीफा दे दिया और नहीं गया। साहब तुम्हें अपने बच्चे भी याद नहीं आते, मैंने एक दिन उससे पूछा। बहुत याद आते हैं, फिल्लौट शाम को देर से आती है और पीटू लौंडों के साथ खेलने चला जाता है। मैं चाहता वे कभी मेरे पास भी बैठें। वह इधर उधर की उड़ाने लगा। पीटू और फ्लोमिना नहीं, एलजेंगला और लीजा, मैंने भी डिठाई उड़ ली। नहीं नहीं, वही हंसकर सिर हिलाने लगा। पिल्ले तो कुतिया से मानूस होते हैं, उस कुत्ते को नहीं पहचानते जो उनके वजूद में साझीदार होता है, उसने अपनी असली आंख मारकर कहा। यह जाता क्यों नहीं, यहाँ पता सज रहा है। मुझे ही नहीं, आसपास के सभी लोगों को बेचैनी सी होती थी, जबकि कुछ लोग ख्याल जाहिर करते। जासूस है, उसे जानबूझकर यहाँ रखा गया है ताकि यह हमारे मुल्क में दोबारा ब्रितानी राज को लाने में मदद करें। गली के लौंडे जब कभी वह दिखाई देता तो पूछते, साहब विलायत कब जाएगा। साहब क्वेट इंडिया का आय को नहीं करता, हिंदुस्तान छोड़ दो साहब, अंग्रेज छोरा चला गया, वह गोरा गोरा चला गया। फिर तुम काय को नहीं जाता, सड़क पर आवारा घूमने वाले लौंडे उसके पीछे ढेरी लगाते, आवाजें कसते, उन जाएगा, जाएगा बाबा। वह सर हिलाकर मुस्कुराता और अपनी खोली में चला जाता। तब मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता, कहाँ है दुनिया के रखवाले जो हर कमजोर मुल्क को तहजीब से खाते फिरते हैं, नंगों को पेंटे फ्रॉन के पहनाते फिरते हैं, अपने सफेद खून की श्रेष्ठता का ढोल पीटते हैं। उनका ही खून जैक्सन के रूप में कितना नंगा हो चुका है, मगर उसे मिशनरी ढांकने नहीं आता। और जब गली के लफंगे तक हार के चले जाते तो वह अपनी खोली के सामने बैठकर बीडी पिया करता। उसकी इकलौती असली आंख दूर क्षितिज पर उस मुल्क की सरहदों की तलाश करती, जहां न कोई गोरा है, न काला, न कोई जबरदस्ती जा सकता है और न आ सकता है, और न वहां बिटकार माए अपने नाजायज बच्चों को तेरी मेरी चौखट पर जमकर खुद अपनी संभ्रांत दुनिया आबाद कर लेती हैं। सिखुबाई आसपास के घरों में मेहरी का काम करती, अच्छा खासा कमा लेती। इसके अलावा वह बांस की डलियां, मेज कुर्सियां वगैरह भी बना लेती थी। इस धंधे से भी कुछ आमदनी हो जाती।
जैक्सन भी अगर नशे में न होता तो उल्टी सीधी बेपेंदे की टोकरियां बनाया करता। शाम को सिखुबा उसके लिए एक ठरने का आधा ला देती जिसे वह फौरन चढ़ा जाता और फिर उससे लगने लगता। एक रात उसने जाने कहां से ठहरे की पूरी बोतल हासिल कर ली और सारी रात पीता रहा। रात के आखिरी पहर में वही खोली के आगे बजकर सो गया। फ्लोमिना और पित्तो उसके ऊपर से फलांग कर स्कूल चले गए। सखुबाई भी थोड़ी देर उसको गालियां देकर चली गई। दोपहर तक वह वहीं पड़ा रहा। शाम को जब बच्चे आए तो वह दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसे जोर का बुखार था जो दूसरे दिन बाकसर शाम दिमागी बुखार की सूरत दिखलाया कर गया। सारी रात वह न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाता रहा, न जाने किसे किसे याद करता रहा, शायद अपनी माँ को जिसे उसने कभी नहीं देखा था, जो शायद इस वक्त किसी शानदार गैदरिंग में नैतिक सुधार पर भाषण दे रही होगी, या वह बाप याद आ रहा हो जिसने नस्ल चलाने वाले सांड की सेवाएं लेने के बाद उसे अपने जिस्म से बही हुई गिलाजत से ज्यादा अहमियत नहीं दी, और जो इस वक्त किसी और गुलाम देश में बैठा अपनी कौम का साम्राज्य कायम रखने के मंसूबे बना रहा होगा, या डार्थी के उलाहना भरे एहसान याद आ रहे हों जो बेरहम किसान के हंटरों की तरह सारी उम्र उसकी संवर्धना पर बरसते रहे, या शायद वो गोलियां जो उसकी मशीन गन से बेगुनाहों के सीनों के पार हुई और आज पलटकर उसकी रूह को डस रही थी। वह रात भर बुड़बुड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, सरपटकता रहा, सीने को धौनकानी चलती रही। तरो दीवार ने पुकार पुकार कर कहा, मेरा कोई मुल्क नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं, मेरा मुल्क और नस्ल से खूब आई है जिसने तुझे बेपनाह प्यार दिया, क्योंकि वह भी तो अपने देश में बेवतन है, बिल्कुल मेरी तरह, उन करोड़ों इंसानों की तरह जो दुनिया के हर कोने में पैदा होते हैं। न उनके जन्म पर शहनाइयां बजती हैं और न उनकी मौत पर मातम होते हैं। पौ फट रही थी, मिलों की चिमनियां धुआं उगल रही थी और मजदूरों की कतारों को निगल रही थी। थकी हारी रुंडियां अपने रात भर के खरीदारों के चंगुल से पिंड छुड़ाकर उन्हें रुखसत कर रही थीं।